खातून रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अध्ययनम लोकसभा से पास हो चुका है और जुमेरात को इस पर राज्यसभा में बहस जारी रही। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रंजन ने इस बिल के ताल्लुक से ऐवान बाला में अपनी राय जाहिर करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए एक तिहाई सीटें महफूज करने की सहूलियत देने वाले इस बिल को रंजन ने बरसर इख्तदार तबके का इंतखाबी एजेंडा और झुंझुना ठहराया। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि मुजवजा कानून को मर्दमशुमारी और हदबंदी के पहले ही नाफिज किया जाना चाहिए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रंजन ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें इस बिल के पीछे साजिश नजर आती है क्योंकि हुकूमत 9.5 साल बाद उसे लेकर आई है। लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% सीटें महफूज करने के इल्तजाम वाले आईन 128वें तरमीम बिल 2023 पर ऐवान बाला में बहस की शुरुआत करते हुए रंजन ने कहा है कि 2014 के आम इंतखाब के वक्त बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में खातून रिजर्वेशन की बात की गई थी लेकिन उसने उसे पेश करने में इतना तवील वक्त लगा दिया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर इस बिल के लिए पार्लियामेंट के खसूसी इजलास की क्या जरूरत थी।